बड़वानी जिला मुख्यालय पर मादक पदार्थों के व्यसन रोकथाम को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग सहित सहायक लोक अभियोजन विभाग SPDR तेनीवार द्वारा मादक पदार्थ के उपयोग नियंत्रण कानून से रोकथाम की जानकारी पुलिस विभाग के कर्मचारियों को दी। एक दिवसीय कार्यशाला में कलेक्टर अमित तोमर द्वारा युवा वर्ग को नशे से बचाने की जरूरत पर प्रकाश डाला। वहीं पुलिस अधीक्षक के द्वारा मादक पदार्थों के प्रकार दुष्परिणाम रोकथाम में पुलिस की भूमिका को PPT के माध्यम से और NDPC एक्ट टोकोबा एक्ट 2003 के संबंध में जानकारी दी। निरीक्षक BR वर्मा द्वारा मादक पदार्थ के डर्वेशन संबंधित फिल्म का चित्रण के माध्यम से मादक पदार्थ के दुष्परिणाम को बताया गया। डॉक्टर BS सेतिया जिला स्वास्थ्य अधिकारी बड़वानी द्वारा पुलिस कार्यवाही में नशीले पदार्थों के सेवन से दुष्परिणाम तथा इलाज आदि के संबंध में जानकारी दी गई। समापन पर निमाण रेंज DIG MS वर्मा द्वारा पुलिस विभाग को ही नशा मुक्ति अभियान हेतु जिम्मेदारी देने को लेकर कहा। पुलिस का काम ही देशभक्ति जन सेवा का है। पुलिस ही व्यसन करने वालों पर लगाम लगा सकती है। जब हम इस नेक काम को मन लगाकर करेंगे और व्यसन ग्रसित लोगों से मादक पदार्थों के सेवन करने से रोकेंगे तब हमें बहुत ही खुशी होगी। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। ये मादक पदार्थों के संबंध में सभी पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के विषय में ये सेमिनार आयोजित हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मादक पदार्थ हमारे समाज के लिए अत्यधिक घातक हैं और इससे हमारी पूरी पीढ़ी पर खतरा उत्पन्न होता है। तो ये मादक पदार्थों का समाज के लोग सेवन न करें, इनका जो सप्लाई है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित हो और जो लोग इस तरह के आपराधिक कृत्य में लगे हैं उन पर उचित वैधानिक कार्रवाई हो ताकि समाज के सभी लोग किसी भी तरह के नशे से मुक्त होकर के हमारा जो जीवन है उसको ठीक तरह से आगे बढ़ा सकें। ऐसा एक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये एक सेमिनार था जिसे यहाँ बड़वानी में आज कंट्रोल रूम में आयोजित किया गया था। और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष है कि हमारा जो बल इसमें उपस्थित था वे सभी लोग अत्यधिक इस सेमिनार के बाद उत्साहित हैं। उन्हें एक संवेदनशीलता इस तरह की उत्पन्न हुई है कि हमें समाज में इस तरह की जो बुराई है उसको रोकने के लिए जो भी कर सकते हैं प्राणपण से करना है। और निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इसका बहुत लाभ होगा जो हमारे समाज को मिलेगा। सर, खास करके युवा पीढ़ी जो है वर्तमान में नशे के आदि हो रही है, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हर वो चीज़ जो हमारे मन मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लेती है, हमारी सोच पर प्रभाव डालती है, वो हमारे लिए निश्चित तौर पर हानिकारक होती है। और युवा तो वो उम्र है जब हमें हमारा पूरा जीवन जीना है, हमें हमारे जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करना है। तो अगर इस तरह से हम हमारी युवावस्था में किसी भी व्यसन के आदि हो जाएंगे, कोई कमजोरी हम प्रदर्शित करेंगे, तो फिर हमारा जो पूरा जीवन है वो हम अच्छी तरह से जी ही नहीं पाएंगे। जो भी हमारे सपने हैं हम उनको कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हम सबको ये सोचना है कि हमने जो जीवन पाया है वो निश्चित तौर पे कुछ उद्देश्य के लिए पाया है और उसको हम प्राणपण से जुट करके ही पा सकते हैं। किसी भी तरह का ऐसा नशा जो हमें ठीक काम करने से रोकता है, हमारे मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालता है, वो हमारे लिए हानिकारक है और हमें उससे दूर रहना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।